परिय वेग आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट, अरिय त्वरण आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है? टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब जब पथ की समीकरण निकालेंगे, पथ की समीकरण आर व थीटा के पदों में होनी चाहिए, आर व थीटा के पदों में होनी चाहिए। पथ की समीकरण किसके पदों में होगी? आर के पद में और थीटा के पद में। तो देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज है ये फर्स्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3, और तो सब थ्योरी वाले परिभाषाएं हैं, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है अरिय वेग दे रखा है, जो कि हमारा आर डॉट होता है, उसकी वैल्यू दे रखी है लैम्डा आर। अनुप्रस्थ वेग जो कि हमारा आर थीटा डॉट होता है, उसकी वैल्यू दे रखी है इसने म्यू थीटा। अब वो कह रहा है पथ का समीकरण ज्ञात करो, पथ का समीकरण ज्ञात करना है और क्या करना है इसमें, और इसके हमें अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण भी निकालने हैं। और क्या निकालना है इसका? अरिय त्वरण, ये चीज पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? अनुप्रस्थ त्वरण, ये सब हमको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसको नाम दे दें समीकरण 1, इसको नाम दे दें समीकरण 2। तो हमें आर और थीटा के पद चाहिए पथ के समीकरण के लिए, तो समीकरण 1/2 कर दें तो आर और थीटा के पद आ जाएंगे। आर डॉट, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1/2 समीकरण 2 कर रहे हैं, तो क्या आएगा? आर डॉट बटे नीचे कितना, आर थीटा डॉट बराबर क्या आएगा, लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, आर जैसे तैसे। थीटा डॉट को क्या लिखा जा सकता है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना होगा, लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, डी टी से डी टी कट जाएगा, यहाँ पर डी टी से डी टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। डी थीटा है इधर, थीटा वाले पद हैं, डी थीटा को यहाँ से हटा के उधर भेज दें, लैम्डा म्यू कॉन्स्टेंट है वहीं रख लें या इधर ले आए, डी थीटा को उधर भेजा रहे हैं, आर को नीचे लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या, लैम्डा अपॉन म्यू और 1/थीटा डी थीटा ये रह जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे, और आर की पावर -2 डी आर बराबर लैम्डा अपॉन म्यू, इसका समाकलन कर दें लॉग थीटा प्लस कोई कांस्टेंट लॉग सी ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये इसका समाकलन क्या होगा, आर की पावर -2 +1 -2 +1
बराबर क्या हो जाएगा, ये लॉग थीटा की पावर लैम्डा अपॉन म्यू प्लस लॉग सी, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस माइनस का बचेगा वन, यहाँ पर भी माइनस का वन, तो आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लॉग इकट्ठे कर लें लॉग एम प्लस लॉग एन, तो सी थीटा की पावर लैम्डा अपॉन म्यू ऐसा रह जाएगा। लॉग सी थीटा की पावर लैम्डा अपॉन म्यू ऐसा रह जाएगा ये। तो इधर क्या बचेगा, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या रह जाएगा, ये माइनस का वन अपॉन आर इक्वल टू लॉग सी थीटा और लैम्डा अपॉन म्यू ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो समीकरण है वो आर और थीटा के पदों में है, यदि चाहे तो हम इसको ई की पावर में भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने दो, जो कि अभीष्ट पथ का समीकरण है। ये हमारा क्या है, पथ का समीकरण, क्योंकि ये जो समीकरण आया वो आर और थीटा के पदों में आया है, इसलिए पथ का समीकरण है। अब हमें क्या निकालने हैं, आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। आर्य त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण के लिए हम जो दे रखा है पहले उसको लिख लें। दिया है क्या दे रखा है, आर डॉट की वैल्यू लेमडा आर और आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू थीटा। अब हमें चाहिए आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में, आर डबल डॉट की वैल्यू होनी चाहिए और थीटा डबल डॉट की वैल्यू। तो समीकरण एक से आर डबल डॉट निकल सकता है, समीकरण एक का अवकलन कर दें। समीकरण एक का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो आर डबल डॉट हो जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है, इधर आर डॉट हो जाएगा, आर डॉट का मान लिख दें, तो आर डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू लैम्डा आर, यानी कि लैम्डा स्क्वायर आर, ये वैल्यू हो जाएगी आर डबल डॉट की। उसके बाद क्या निकालेंगे, थीटा डबल डॉट की वैल्यू। तो समीकरण दो से थीटा डॉट निकालने पहले, समीकरण दो से थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू थीटा अपॉन आर, आर नीचे चला जाएगा, म्यू थीटा है ही, म्यू थीटा अपॉन आर हो जाएगी। हमें थीटा डबल डॉट चाहिए तो इसका अवकलन कर दें एक बार, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या आएगा, ये थीटा डबल डॉट बराबर कितना, म्यू थीटा अंश बटे हर से करेंगे इसका, हर का वर्ग आर स्क्वायर, हर जैसे तैसे, किसका अवकलन, म्यू कॉन्स्टेंट है इसको तो बिल्कुल ही बाहर कर दें, म्यू कॉन्स्टेंट को तो बिल्कुल ही बाहर कर दें, तो केवल किसका करेंगे हम, थीटा अपॉन आर का। तो आर स्क्वायर आर जैसे तैसे, थीटा का अवकलन थीटा डॉट, फिर माइनस एक बार थीटा जैसे तैसे आर का अवकलन आर डॉट। अभी अवकलन आया तो सही, लेकिन इसमें थीटा डॉट और आर डॉट आ गए, इनकी वैल्यू है हमारे पास, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, म्यू थीटा अपॉन आर, और आर डॉट की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर, वो हम यहाँ रख रहे हैं। थीटा डॉट व आर डॉट के मान रखने पर क्या आएगा, फिर ये इसको और सॉल्व करें तो थीटा डबल डॉट कितना आ जाएगा, थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू और आर
लिखते हैं इसे आर डॉट की वैल्यू। आर डॉट की वैल्यू कितनी है, लेमडा आर, लेमडा आर अपॉन नीचे कितना है आर स्क्वायर, यहाँ ये आर से आर कट जाएगा, क्या रह गया म्यू इंटू म्यू थीटा माइनस लेमडा थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा रह जाएगा। अब निकाल सकते हैं हम इसका क्या, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। अब इनकी बात करते हैं अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण की। अर्य त्वरण क्या होगा, अर्य त्वरण क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला अर्य त्वरण का, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डॉट की वैल्यू, आर डबल डॉट की वैल्यू कितनी आई है, लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट की वैल्यू क्या आई है, म्यू थीटा अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा रह जाएगा ये। तो ये हमारा क्या है, अर्य त्वरण। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ त्वरण की। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो टू आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर डॉट हमने पहले लिखा था, उसकी वैल्यू क्या है, लेमडा आर, लेमडा आर। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू थीटा अपॉन आर प्लस आर जैसे तैसे थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट हमने निकाला है, ये है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है ये म्यू और म्यू थीटा माइनस लेमडा थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, अभीष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ ये आर से आर कट रहा है, क्या रह गया टू लेमडा म्यू थीटा, यहाँ एक आर से आर कट गया, क्या बचा म्यू और म्यू थीटा माइनस लेमडा थीटा आर अपॉन में कितना रह जाएगा एक आर, इनका गुणा करवा लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो क्या आएगा ये टू लेमडा म्यू थीटा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस लेमडा म्यू थीटा आर अपॉन आर, एक आर से आर कट जाएगा, ये आर अपॉन में आ गया, इसके में आर से आर कट जाएगा, तो टू लेमडा म्यू थीटा में से एक लेमडा म्यू थीटा कट जाएंगे, क्या बच जाएगा लेमडा म्यू थीटा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और ये हमारा ये क्या है अभीष्ट आंसर। तो ये हमारा त्वरण है, कौन सा त्वरण है, ये अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू क्या आई है, यदि चाहें तो हम इसमें से म्यू थीटा कॉमन ले सकते हैं, लेमडा म्यू थीटा म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर देखते हैं। क्वेश्चन फोर में क्या कह रहा है, यदि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि उसका अर्य और अनुप्रस्थ वेग सदैव समान रहते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर में, अर्य वेग बराबर किसके, अनुप्रस्थ वेग, ये क्या है दिया है, ये दे रखा है कि भाई अर्य वेग बराबर किसके है,
अनुप्रस्थ वेग। सिद्ध क्या करना है? समान हो तो वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। यदि इसी के साथ कण का कोणीय वेग अचर है तो आर्यत्वण और अनुप्रस्थ त्वरण भी निकालना है। कोणीय वेग अचर हो तो हमें क्या निकालने हैं? आर्यत्वरण, ये चीज पूछ रहा है, और अनुप्रस्थ त्वरण, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। तो पहले हम समीकरण एक से बात करते हैं। समीकरण एक से आर डॉट बराबर क्या हो जाएगा? आर थीटा डॉट हो जाएगा। आर्य वेग आर डॉट होता है, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट होता है। इनके मान लिख दें, इसका मान डी आर अपॉन डी टी, आर इसका मान डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया तो डी आर इक्वल टू आर डी थीटा रह गया, तो डी आर अपॉन आर इक्वल टू डी थीटा रह गया। और दोनों और क्या कर दें? समाकलन। इसका समाकलन करेंगे तो लॉग आर हो जाएगा, इसका समाकलन थीटा प्लस कोई कांस्टेंट लॉग सी, लॉग वाले टर्म एक तरफ कर ले तो लॉग आर अपॉन सी हो जाएगा। क्या ये देखना, लॉग सी धराकर माइनस का होगा, माइनस होगा तो एक हट्टे लॉग में आर अपॉन सी हो जाएगा, माइनस वाला नीचे चला जाएगा। अब लॉग को हटाएंगे तो ई की पावर में चेंज हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? ये आर अपॉन सी की वैल्यू ई की पावर थीटा हो जाएगी। इसका मतलब आर इक्वल टू सी ई की पावर थीटा। ये हमारा क्या हो गया? पथ का समीकरण। ये पथ का समीकरण, एक आंसर तो ये मिल गया। अब क्या पूछ रहा है वो, इसको नाम दे देते हैं दो, इसके में आवश्यकता पड़ेगी या फिर इसी को रहने दें। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है वो आर्यत्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। आर्यत्वरण, आर्यत्वरण का फॉर्मूला क्या है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो हमें आर डबल डॉट की आवश्यकता है और थीटा डॉट की आवश्यकता है। और वो कह रहा है कि कोणीय वेग क्या है? अचर है। यहाँ कोणीय वेग थीटा डॉट होता है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे थीटा डॉट का कांस्टेंट का, तो दोबारा अवकलन जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें थीटा डॉट रख देंगे, आर डबल डॉट नहीं हमारे पास में, आर डबल डॉट निकाल लें। इसको नाम दे दें, मान लो समीकरण दो, इसको नाम दे देते हैं, इसको तीन दे देते हैं। तो समीकरण कौन से दो से, समीकरण दो से मान निकाल लेंगे आर डॉट का। ये आर डॉट है, समीकरण दो से आर डॉट बराबर हो जाएगा आर सी। थीटा डॉट का मान लिख दिया यहाँ पर सी, तो आर डबल डॉट क्या हो जाएगा? आर डॉट इंटू सी, आर डॉट की वैल्यू रख दें तो आर डबल डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर सी इंटू सी, तो आर डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर सी स्क्वायर। ये आर डबल डॉट की वैल्यू हो गई, आर डॉट की भी है, थीटा डबल डॉट की भी है, थीटा डॉट की भी है, सारी वैल्यूज हैं। अब तो हम सब फॉर्मूले में रखते हैं और अभीष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आर्यत्वरण क्या होगा? आर्यत्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल कर? आर डबल डॉट कितना आया है? आर सी स्क्वायर माइनस आर जैसे तैसे। थीटा डॉट कितना है? सी स्क्वायर। थीटा डॉट की वैल्यू सी है, थीटा डॉट की वैल्यू सी है और स्क्वायर हो रहा है तो आर सी स्क्वायर हो जाएगा ये।
आर सी स्क्वायर से आर सी स्क्वायर कैंसिल और ये त्वरण क्या हो जाएगा जीरो। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ त्वरण की। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या है? टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, इसमें वैल्यू रख दें, बराबर टू आर डॉट की वैल्यू कितनी है आर सी, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है सी, प्लस आर थीटा डबल डॉट की वैल्यू कितनी है जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू आर सी स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है, अनुप्रस्थ त्वरण वो समानुपाती है किसके आर के। अनुप्रस्थ त्वरण प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके आर के। टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह में चेंज हो जाएगा। ये अनुप्रस्थ त्वरण किसके समानुपाती आर के, और अर्य त्वरण कितना हो गया जीरो।